हमने आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव यहाँ मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। 2014 में जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उसी के तहत ये अभियान जो है जारी है और हमारी नगर पालिका जो सुरनकोट की है वो भी इसको बड़े जोरों शोर से मना जा रही है। तो इसमें हमने 27-28 को कचरा अलग करो अमृत दिवस मनाना है, जिसमें हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हमने उनको फैसिलिटेट करना है। उन्होंने कोविड के दौर में और जैसी ही हमारी कमेटी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड कमेटी है इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी वजह से हमारा शहर जो है वो साफ सुथरा बना रहता है, तो उनका बड़ा एक योगदान है। उसके बाद 29 और 30 को हमने सार्वजनिक शौचालय सफाई जन भागीदारी अमृत उत्सव मनाना है। जितने भी हमारे वार्डों में शौचालय बने हुए हैं उनकी सफाई सुथराई कैसे करनी है वो हमारे सफाई कर्मचारी जाएंगे और उनकी सफाई करेंगे। अगर आप स्वच्छ रहोगे तो उससे आप स्वस्थ भी रहोगे। तो मेरी जितनी भी अपनी वार्ड हैं उन सबसे लोगों से मैं आपने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे आएं और हमारी कमेटी का साथ दें, गंदगी ना फैलाएं। हमारे जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और वो एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जब तक लोगों का साथ ना होगा हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने जो बर्तन पड़े हैं लोगों के घर में वेस्ट बर्तन हैं उनका एक एग्जीबिशन लगाना है और हमने कैसे बताना है कि इनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। ऐसे बर्तन जो घर में रहेंगे तो वो भी एक ठीक नहीं रहता है, तो उसके लिए भी हमने एक एग्जीबिशन लगाना है। उसके बाद 2-3 को हमने फाइनल जो कार्यक्रम हमारा जो म्यूनसिपैलिटी का पीर पंचाल कम्युनिटी हॉल है उसमें हमने रखा हुआ है प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हमारे अलग अलग वार्डों से हमारे रिस्पेक्टेड जितने भी सिटीजन हैं उनको हमने बुलाना है और यहाँ पर हमने बताना है कि किस तरीके से इस पूरे शहर का साफ सफाई का ख्याल कैसे रखा जा सके। तो उसी दिन हमने सफाई कर्मचारी जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको इनाम देंगे जिन्होंने अच्छा काम सर अंजाम दिया है। तो मैं यही कहूँगा अपनी जितनी भी ये अपनी कमेटी है सुरनकोट की और जितने 13 वार्ड हैं इसमें, मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक बैग हैं उन्हें से नो टू प्लास्टिक और अपने जहाँ भी आप बाजार जाते हो तो एक कैरी बैग साथ लेके जाएं, उसमें सामान लाएं। इस प्लास्टिक ने हमेशा ही इस टाउन का बेड़ा गर्क किया है। जितने भी नाले हैं वो बंद हो जाते हैं और ये इतनी जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। तो मेरी एक बार फिर विनती है सारे अपने टाउन के जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं उनसे ये प्रार्थना है कि वो हमारा साथ दें और ये जो लास्ट का कार्यक्रम है ये हमारी नगर पालिका के म्यूनसिपैलिटी जो पीर पंचाल कम्युनिटी हॉल है उसमें मनाया जाएगा और उसमें हिस्सा लें और भागीदार।